पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। एक मुस्लिम समुदाय एक हिंदू लड़के का अपहरण कर उसका धर्म परिवर्तन करके दो बच्चों के मां के साथ उसका निकाह करा देता है। हालांकि इस 16 साल के लड़के का धर्म परिवर्तन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में धर्म परिवर्तन और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के काकादेव इलाके का है, जहां एक दलित समाज का 16 साल का नाबालिग लड़के का एक मुस्लिम परिवार अपने साथ उसे लेकर गई और मौलवी बुलाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। यही नहीं, इस लड़के के साथ दो बच्चों की माँ का निकाह भी पढ़ा दिया गया। मामला सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिए। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा, उसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और नाबालिग लड़के का अपहरण और धर्म परिवर्तन और दो बच्चों की माँ से शादी कराने वाले मौलाना तौहीद और मोहम्मद हनीफ और उसकी बीवी जमीला और बेटी सिमरन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सोशल मीडिया में इस 16 साल के नाबालिग लड़के का धर्म परिवर्तन और निकाह कराने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मैं अभी ना बनाऊं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु हेलो गाइस, एक सिमरन का बहन है, ये जान की खाला है और सोच बहन है, ये भाई है, ये सिमरन है, ये निखिल है, वो ये पापा है, ये बड़ा भाई है, ये मौलाना जी واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والباس بعد الموت بیٹا عمران آپ کا نکاح سمرن بنت محمد حنیف کے ساتھ 50,000 rupees سکے راج الوقت مہر ادھار आपका निकाह मैं नानू नफ्ता के दो गवाहों की मौजूदगी में मोहम्मद हनीफ साहब की वकालत में किया जा रहा है। आपको मंजूर है? कहिए हमें मंजूर है।